दसवीं क्लास की वर्कशीट नंबर 20 करने वाले हैं। इसमें विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और शीर्षक आपका रहेगा समांतर श्रेणी यानी कि एपी पर शाब्दिक समस्या, शब्दों वाली समस्या। रिया क्या कहती है? रिया कहती है, क्या आप इस प्रश्न को हल कर रहे हैं, मेरी मदद कर सकती हो? आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, दो अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाजित। दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित? मैं जानता हूं दो अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, 10 11 12 सब दो अंकों वाली है, और दो अंकों वाली संख्या खत्म कहां पर होती है? 99 पर खत्म होती है, मैं ही जानता हूँ। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या मुझे देखनी है कि 10 तो है लेकिन क्या है 3 से विभाग होती है? 3 से तो नहीं होती, ये भी नहीं होती। क्या होती है 3 से विभाग? 3 से भाग होती है 12 और उसके बाद 15 उसके बाद 18, क्योंकि 3 से के पहाड़े में 3 चौबा 3 पंच 15 3 18। क्या 99 3 से पूरी पूरी हो जाएगी? कट जाएगी, हम जानते हैं 3 से। तो ये मेरी एपी बन गई। ठीक है जी, ये मुझे दे रखा था दो अंकों वाली जो संख्या है उनमें से कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, तो मेरे पास एपी इस तरह से बन गई। ए है मेरे पास 12, डी कैसे निकालते हैं a2 - a1 यानी कि 15 - 12 कितने बचेंगे आपके 3 बचेंगे, ये हो गया डी। ठीक है, आपका आंसर यहां से। आखिरी पद कितना है? आखिरी पद है मेरे पास an यानी कि 99। मुझे यही पता करना है कि 99 कौन सा पद है, तो मुझे पता चल जाएगा कितनी संख्या यहां से यहां तक हो रही है। an का मतलब a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है जी मेरे पास? 12 है। n मुझे निकालना है कितनी संख्या है यहां तक। d कितना है जी? 3। 3 के अंदर गुणा कर दीजिए कितना हो गया, 3 के अंदर करेंगे 3 × 3 = 3। ठीक, 12 में से 3 के तो कितना बचेगा 9 प्लस का 3 n बराबर में है आपका 99। संख्या संख्या एक तरफ, 3 n तो ऐसे ही रहेगा, 99 माइनस 9 कितने बचे जी? 90। ये 3 कहाँ जाएगा? पटे में 3 से काट देंगे 90 को, तो 3 × 3 = 9 = 30 कितना जाएगा जी? 30। यानी कि 30वां पद है ये। अगर ये 30वां पद है तो इसको हम इसके अंदर कितनी संख्या है? 30 ही तो संख्या है, 30 ही तो पद है। तो ये पूछा था कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, लिख देंगे हम लिखना चाहेंगे तो, अतः 10 यानी कि दो अंकों वाली, दो अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से क्या है जी? विभाज्य। ठीक, अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। उदाहरण एक है, क्या था, यदि एक फुलवारी में पहली पंक्ति में 23, पहली पंक्ति में कितने जी 23 सूरजमुखी के पौधे हैं और प्रत्येक आगामी यानी कि आने वाली पंक्ति में दो पौधे कम हो जाते हैं, तो फूलों की दसवीं पंक्ति में सूरजमुखी के पौधों की संख्या बताइए। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आंसर देख लेते हैं हम इसका। कहता सबसे पहली पंक्ति में है 23, सबसे पहली पंक्ति में यानी कि एपी है 23, फिर दो कम हो जाते हैं यानी कि रह जाएंगे 21, फिर दो कम हो जाते हैं तो रह जाएंगे 19। इस तरह से कहता है कि दसवीं पंक्ति में कितने पौधे हैं, तो ए कितना है हमारा 23, डी निकाल देते हैं, डी होता है a2 - a1, a2 है 21 और a1 है आपका 23, कितने बचे माइनस का 2, और हम n कितना है हमारे पास, n है 10, n कितना है हमारे पास, n है हमारे पास 10, दसवीं पंक्ति पूछे, कोई पद निकालने के लिए फॉर्मूला a प्लस में n माइनस 1d, दसवीं पंक्ति में पूछेंगे 10 हो जाएगा ये, a कितना है आपका 23, n है हमारे पास 10 माइनस का 1 और d कितना है हमारे पास माइनस का 2, ये 23 हो गया, ये कितने बचे हमारे 10 में से गया तो 9 और ये है माइनस का 2, 23 तो ऐसे ही रहेगा, 9 × 2 = 18, 23 में से 18 के तो कितने बचे 5, यानी कि जो दसवीं पंक्ति है उसके अंदर कितने पौधे हैं मेरे 5 पौधे हैं, कितने पौधे हैं जी 5 पौधे। ठीक है जी, अच्छा इसी के साथ हम ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, ठीक है, ये आपका उदाहरण एक है। अब उदाहरण दो आप देखिए क्या कहता है। उदाहरण दो कहता है त्रिभुज के कोण एपी में है, त्रिभुज के जो कोण है वो एपी में है, वह सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का दुगना है, तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए उदाहरण जो है आपका ये दो है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा त्रिभुज के कोण अगर एपी में है तो माना तीन कोण क्या मान लेंगे जी आप, तीन कोण हमेशा मान लेंगे आप a - d, a और a+d, जब भी एपी त्रिभुज के तीन कोण एपी में बोलेगा तो हमेशा इसको मानिएगा
आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो समझते हैं। प्रश्न अनुसार हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। प्रश्न अनुसार हम ये जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है, यानी कि a माइनस डी प्लस में a प्लस में a प्लस डी, यही तो है तीन कोण, इनका जोड़ कितना है जी 180 होना चाहिए। माइनस के डी से प्लस का डी कैंसिल हो जाएगा, ए ए ए कितने ए हो गया, ये हो गया तीन ए, तीन कहाँ जाएगा हमारा बटे में, कोण वाली चीज कहाँ जाती है भाग में, तीन से काट देंगे, तीन छिंग 18, जीरो का जीरो, ठीक है ये 60 आ गया ए। उसके बाद पुनः प्रश्न अनुसार कुछ और उसने हमें बताया, उसने हमें बोला कि जो सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण है ये, सबसे छोटे कोण का, सबसे छोटा कोण है ये दुगना है, बड़ा कोण दुगना है तो छोटे को भी क्या कर देंगे दो से गुणा कर देंगे, दुगना कर देंगे, ताकि दोनों क्या हो जाए बराबर, ए प्लस डी, ऐसे दो ए और ये दो डी, डी डी एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, ये डी है, टू डी दराया का हो गया प्लस का, ये दो ए है, ये ए दराया का हो गया माइनस का। आगे देखिए दो डी और एक डी कितना हो गया आपका तीन डी, कितने डी हो गए तीन डी, दो ए में से एक गया तो कितना बचा ए बचा, अच्छा ए का मान कितना निकाल चुका हूँ ऑलरेडी 60, और ये तीन कहाँ जाएगा इसका, ये बटे में आ गया, तीन से काट देंगे तो कितना आ गया 20, तीन दो छः जीरो का जीरो, डी आ गया हमारे पास, हमें ए भी आ गया डी भी आ गया, तो कोण तो निकाल लें, अतः कोण क्या माने थे हमने, कोण माने थे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है, ए है हमारे पास 60 और डी है हमारे पास 20, ये है 60 और ये है 20, 60 में से 20 के 40, ये 60 ऐसी रहेगा और ये आपका 80 रहेगा, इस तरह से आपके तीन कोण आ गए। कहने का मतलब है जब भी उसने त्रिभुज के तीन कोण बोलेगा तो हमेशा आप a माइनस डी, ए और a प्लस टू डी मान लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा, सिंपल ही आपका ए यू ही निकल आएगा, और जो दूसरी चीज़ बोली हो वैसा कर दीजिए, आपके पास कोण निकल आएंगे, ठीक है जी। अब देखते हैं इसके जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं, वो पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कहता है राम ने साल के पहले सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, पहले सप्ताह में 5 रुपये बचाई थी उसने, और फिर साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये की वृद्धि करती गया, 1.75 रुपये वृद्धि करता है, सारवंतर जो 1.75 रुपये का है जी। कहता है एनवे सप्ताह में अगर उसकी साप्ताहिक बचत कितनी है उसकी, एन सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये है, तो एन का मान क्या, पहले सप्ताह में उसने बचाए थे 5 रुपये, कितने की वृद्धि करता क्या वो 1.75 रुपये की, एन हमें निकालना है, और एनवा पद उसने मुझे दे रखा है कितना जी 20.75 रुपये, ठीक है ये एनवे सप्ताह में जो बचत है उसकी वो ये है, तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस वन इन टू में डी, 20.75 रुपये है, ए कितना है आपका 5, एन कितना है आपके पास नहीं पता जी निकालना है, और डी कितना है आपका 1.75 रुपये, ये 20.75 रुपये, 1.75 रुपये गुणा कर दीजिए एन से करेंगे तो 1.75 एन हो गया, और फिर एक से करेंगे तो 175 ही हो गया समझो, ये 20.75 रुपये 1.75 एन, 1.75 रुपये एन ऐसे रह गया, 5 प्लस का है और 1.75 रुपये माइनस का, तो 5 में से 1.75 रुपये के कितने बचे 3.25 रुपये बचे हमारे, यहाँ पे यही है संख्या संख्या एक तरफ ले जाएंगे, ये है 1.75 एन, यह है 20.75 माइनस 3.25, 3.25 रुपये उधर लेके काय का हो गया माइनस का, कितने बचे 1.75 रुपये है, ये छोड़ो है नहीं, कितने बचे 5 में से 5 गया 0, 5 और ये होगा 17, और 1.75 रुपये कहाँ जाएगा गुणा चीज भाग में, दो अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी दो अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 175 एकम 175 और 0 का 0, एन आ गया आपका 10, अतः 10वें सप्ताह में जो उसकी बचत है वो कितनी जाएगी 20.75 रुपये हो जाएगी, तो यही उसने पूछा था कितने सप्ताह में हो जाएगी, तो एन कितना आ गया जी 10, अतः एन यानी के 10वें सप्ताह में राम की बचत कितनी होगी 20.75 रुपये होगी, रुपए यानी के हो, ठीक है ये क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन।
उसने कहा कि 10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। 10 और 250 के बीच में सबसे यानी कि बहुत सारी संख्या आएंगी, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ पहले। 10, 11, 12 यहाँ तक बहुत सारी संख्या आएंगी, क्या था वो 4 से विभाज्य। तो सबसे छोटी संख्या तो मैं आसानी से पता कर सकता हूँ, सबसे छोटी संख्या तो 12 होगी जो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगर मुझे ना पता चले कि बहुत बड़ी संख्या होगी तो मुझे पहाड़े सोचने पड़ेंगे, तो मैं इसको डिवाइड करके देखते हैं हम दोनों, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको भी और जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको भी। जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको हम ज़्यादा बार पहाड़ा पढ़ते हैं कि 4 × 4 = 8 तो कम होगा, तो 4 × 3 = 12 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, यानी कि 2 इसमें जोड़ दीजिए, 2 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 12। कहने का मतलब यह है कि जो सबसे छोटी संख्या मेरे पास होगी वो 12 होगी। एपी की सबसे छोटी संख्या 12 होगी, 10 और 250 उसमें 4 से विभाजित, उसके बाद 4 जोड़ दूंगा 16, 20। लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए मैं पहाड़े को कम बार पढ़ूंगा, यहाँ तो ज़्यादा बार पढ़ा, यहाँ पे कम बार पढ़ते हैं। 4 × 6 = 24 कितने बचे? 2 बचे, सॉरी 1 बचा, 0 डाल लेंगे। कम बार पढ़ना है पहाड़ा, 4 × 2 = 8 कितने बचे? 2 बचे, यानी कि अगर ये 2 ना होता इसके अंदर तो ये पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि क्या 2 कम कर दो कितना हो गया 248। यहाँ प्लस का बचा है इसलिए कम कर दिया है 248, क्योंकि मुझे बीच में चाहिए 250 से पहले यानी कि नंबर आना चाहिए, इसमें इसके बाद में आना चाहिए, यानी कि जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा इसमें प्लस हो जाना चाहिए, तो ये पूरा पूरा कट जाता, समझे। इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो कहता है कितनी संख्या है ये जो 4 से विभाज्य है, तो ए है हमारे पास 12, डी निकालते हैं a2 - a1 यानी कि 16 - 12 कितना आ गया जी हमारे पास 4 आ गया, और एनवा पद यानी कि आखिरी पद है कितना 248। हमें ये पता करना है कि इसके अंदर कितनी संख्याएं हैं। ए एन का मतलब ए प्लस में एन माइनस वन डी, 248 रहेगा। ए कितना है हमारे पास 12, एन मुझे पता नहीं, डी कितना है मेरे पास 4 के अंदर गुणा कर लीजिए, 12 ऐसे ही रहेगा, 4 एन हो गया, 4 × 4 = 4 ठीक। 12 में से 4 के तो कितना हो जाएगा 8 प्लस का 4 248 है। संख्या एक तरफ प्लस का 8 है, उधर काय का हो गया माइनस का हो गया, 248 माइनस का 8 ठीक है, कितने बचे 240 बचे, पट्टे में 4 जाएगा काट देंगे, कितना आ गया 60, कितना आ गया ये 4 × 6 = 24 60 आ गया। अतः 10 और 250 के बीच 4 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या जी 60 संख्याएं हैं, ठीक क्लियर जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसने कहा कि चतुर्भुज के चारों कोण एपी में है, चतुर्भुज है उसके चारों कोण कायम है जी एपी में है ठीक है, और जिनका सार्वंतर 10 है, सार्वंतर उनका 10 है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए ठीक है। जब त्रिभुज दिया था हमें तो मैंने कोण माने थे a माइनस डी, a और a प्लस डी, लेकिन जब चतुर्भुज देगा और AP में बोलेगा चारों कोण तो माना कोण, हमेशा कोण माने जाते हैं a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस थ्री डी, समझ गए, ये आप कंठस्थ कर लें, याद कर लें, ये AP में है ठीक है। ऐसा मानने से आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाए। आप देखिए प्रश्न मुझे, क्योंकि चतुर्भुज है तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360 होता है, यानी कि a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस थ्री डी बराबर 360। हम जानते हैं चतुर्भुज के कोण है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360। फायदा क्या होगा, प्लस के 3d से माइनस का 3d कट जाएगा, माइनस के d से प्लस का d कट जाएगा। ए ए ए ए कितना ए हो गया 4, 4 कहाँ चला जाएगा, ये 4 जाएगा आपका पट्टे में, काट देंगे 4 × 36 कितना आ गया, ए का मान 90 हमारे पास आ गया। अब देखिए पुनः प्रश्न पूछा, जो दूसरी बात उसने बोली है वो समझ लीजिए। उसने बोला उनका सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देते हैं, सार अंतर दे रखा उसने हमें 10, दूसरा पद है a माइनस डी माइनस,
पहला पद कितना है जी, ए माइनस थ्री डी, पिछले निशान माइनस का है तो पिछले का निशान क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है, माइनस का तो क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस के से प्लस का एक कैंसिल, ये दस है, तीन में से एक डी गया तो कितने बचे दो डी, ये दो कहाँ जाएगा आप बट्टे में ले जाएंगे, दो अगर मैं बट्टे में ले जाऊँ तो दस बट्टे दो, ठीक है जी, और डी से कटने के बाद दो से कटने के बाद कितना आ गया डी पाँच आ गया, दो पंजे दस, ठीक है जी, ये आपका पाँच आ गया, ठीक है, और हमें निकालने हैं कौन, अतः कौन, कौन हमने माने थे ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, बस यहाँ पर ए और डी के मान रख दीजिए, ए कितना है हमारे पास 90 और 5 का 3, डी कितना है हमारे पास 5, ए है 90 डी है 5, ए है 90 डी है 5, ठीक है प्लस का निशान, ए है 90 और डी है हमारा 5, तीन पंजे कितना हो गया जी 15, 90 में से 5 गए तो 85, 90 में 5 जोड़ दिए 95, 90 83 रहेगा, तीन पंजे 15, ठीक, 90 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 75, ये आपका 85, ये आपका 95 और ये होगा 105, ये सब के सब देखिए एपी में है या नहीं है, और 10 10 का सार्वंतर सबका है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एकदम क्या हो गया आंसर एकदम करेक्ट हो गया, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से बेहतर तरीके से एकदम समझ में आया होगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।